पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वार्ड पार्षदों का गुरुवार से मेदिनीनगर नगर निगम परिसर में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया। पहले दिन दो पार्षद कविता देवी वार्ड नंबर 11 और हसीबुन निशा वार्ड नंबर 28 अनशन पर बैठी है। अनशन स्थल पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और 144 का पालन करते हुए मात्र 4 पार्षद ही अनशन स्थल पर बैठी है। ज्ञात हो कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आधे दर्जन पार्षद मुखर आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। मौके पर अनशनकारियों ने बताया कि जनता टैक्स देती है लेकिन नगर निगम उनके सुविधाओं का ख्याल नहीं रखती, लेकिन जो टैक्स नहीं देते उनके लिए सब लाभ की व्यवस्था की गई है। पार्षदों ने कहा कि अगर हमारी मांगे अनशन पर भी नहीं मानी गई तो आगे आंदोलनों और उग्र किया जा सकता है। जनता काफी आक्रोशित हुई तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। पार्षदों ने बताया कि जनता सभी तरह के टैक्स का बहिष्कार करने का भी निर्णय लेगी और नो वाटर नो टैक्स का आंदोलन भी आगे होगा। पानी हम लोग का बहुत दिनों से लगभग 3 साल हो गया है, करीब 3 साल हम हर जगह मतलब आवेदन लगाए, हर जगह सबसे मिले, पब्लिक को भी मिला, फिर भी किसी तरह का मतलब हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। और यहाँ निगम तो है, कुछ निगम बनने के कारण कुछ आशा रहता है कि निगम बना है तो हो जाए हम लोगों का काम, लेकिन यहाँ निराशा ही है, निराशा ही कुछ लोगों का है, लेकिन कुछ लोगों का तो आशावादी ही है। कुछ लोगों का काम होता है, कुछ लोगों का काम नहीं होता है, नया और पुराना का काम। क्या पानी में काम नहीं हुआ आपका? पानी का हम लोगों का बेलवाटी का चौक जो है वहीं से ढलान सीधे चला गया हरिहर सिंह रोड और पार्षद गली, मेरा जो है बेलवाटी का चौक ढलान से पार्षद गली तक गुरु नानक कॉलोनी और गुरुद्वारा रोड और यही जो बता दिए हरिहर सिंह रोड 3-4 गली में और सीधे ढला। क्या समस्या उसमें? उसमें पूरा पाइप सड़क जर्जर हो गया है, पानी बिल्कुल आना बंद हो गया है, उसमें नया पाइप लगाने की आवश्यकता है। तो अगर पाइप नया पाइप बिछ जाएगा कुछ ही मतलब ज्यादा तक खर्चा नहीं है, 8-10 लाख इतना तक हो जाता है, एस्टिमेट मतलब बना हुआ था कि छोटे आपकी मांग यही है। हाँ यही मांग है बस, और मेरा कुछ एरिया में जाता है पानी, बस मेरा जो बेलवाटी का चौक ढलान से उतना गड़बड़।